के अंदर भी अपनी आत्माएं क्या आई हैं क्या? अब ध्यान से सुनिए। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब देवचंद जी ने क्या कहा, या में कोई कोई वासना जान। जैसे हिंदुओं के अंदर है ऐसे नहीं, कोई कोई विरली ही जो है आत्म जो है इनके अंदर भी आई हुई है। चलिए, और उनके कुरान में, और उनके कुरान के अंदर है अपनी पहचान, अपनी पहचान। सारी बातें ईसा रुअल्ला की, दो जामे पहनने की, तुम्हारी बातें, और तुम्हारे द्वारा ही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब जाहिर होना, ये सारा कुरान में लिखा है। ये बात तुमसे होएगी, ये बात तुम्हारे द्वारा होगी जब तुम्हारे तन में राजी श्यामा जी बैठ जाएंगे। लीला आगे होए जब, जब लीला आगे होएगी, यानी मेरा तन खत्म हो जाएगा, राजी बैठ के तुम्हारे तन में लीला करेंगे, ये तब बातें होनी है। नित्य चर्चा सुनते हैं, इस तरह रोज चर्चा सुनते हैं, मिलके दो भ्रात दोनों भाई। अब ध्यान के साथ, कौन? गोवर्धन ठाकुर और महराइट। अब क्या हो, हरबंश ठाकुर जो सबसे बड़ा था, वो काम काज करने के लिए अपनी पत्नी को लेकर के बाहर चले गए मंडई में। अब चार भाई रह गए, उदो ठाकुर सबसे छोटा था, जैसे कोई बच्चा होता है। तो एक दिन भाई चांस, भले भाई कितना बड़ा वजीर था, थोड़ी घर की व्यवस्था में भूल हो गई, तो वो तो चले गए कचहरी में। तो माता, ये दोनों भाई आ गए चर्चा में, तो अब रह गए संवलिया ठाकुर। उनको माता कहने लगी कि धन भाई, के देखो बेटा, कल पिताजी शायद भूल गए हैं, आटा कहा था, आटा नहीं है भाई, लेके आओ। कहते माता, ये भी ले आता हूं। वो गए बाजार, आखिर लाना करना कुछ समय तो लग जाता है, एक मिनट की पड़ीका तो नहीं होती है। फिर आए तो कहने लगे, बेटा बुरा न मानना, लकड़ी भी खत्म है, क्या किया जाए। कहते अच्छा माता जी, ले आता हूं। जब लकड़ी लेके आए, कहने लगे माता जी, अब कहने लगे पिताजी कह गए थे मैं अभी सब्जी भेजता हूं, उन्होंने साग भी नहीं भेजा है, बेटा क्या करें। कहने लगे माता जी, इसका मतलब है मैंने कोई पाप करके तुम्हारे घर जन्म लिया। हाँ, वो मोटा भाई तो चला गया पत्नी को लेकर के बाहर, और ये दोनों बाबा बन गए। 11 बजे घर आ जाएंगे, जब पेट में कुरड़ पुरड़ होगी, हाँ, उदरिया नाचेंगी, और पता उनको 11 बजे हमको थाल परोस दिया जाना, एक मैं ही बच गया। माता कहने लगी, बेटा ऐसे घबराया नहीं करते, ऐसे शब्द नहीं कहते, उनको आज दिन तक किसी ने कहा भी तो नहीं, आएंगे तुम बड़ा है प्यार से समझा देना, कभी जरूरत पड़े तो वो सामान ले आएंगे, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। बा माता ही ने तो कह दिया, समझाना है। अब संवालिया ठाकुर क्या करते हैं, तो एक दिन आए घर में, एक दिन हो तो जैसे रोज जाते थे, रोज आते थे, एक दिन क्या हुआ, जब घर में आए, बड़ा भाई करत स्नान, संवालिया ठाकुर कुएं पे बैठकर बाल्टी खींच के नहा रहे थे। कहा तुम बिगड़े दो भाई। अब आए जब अंदर, कहने को इधर, बड़े भाई थे, जब कहा भाई बड़ा भाई बुला रहा है, दोनों गए। कहने लगे अब क्यों आ गए हो, पेट में गड़बड़ होने लगी है, तुम्हें यही वक्त लगा है, हैं? जैसों का पता होता भी भोजन तैयार हो गया होगा, बड़े लाड साहब बन करके चले आते हो, हैं? क्या मैं तुम्हारे बाबा का नौकर हूं? जैसे बड़ा भाई डांट के कहता है, लकड़ी मैं लाऊं, आटा मैं लाऊं, साग भाजी मैं लाऊं, और खाने के लिए तुम आ गए हो, खबरदार कल से अगर इन्हीं के घर गांगजी भाई के तुम चर्चा सुनने गए, तो गांगजी भाई और तुम्हारे गुरु को, दोनों को, पिताजी को कह के मैं शहर से निकलवा दूंगा। दोनों को निकाले शहर से, शहर से निकलवा दूंगा, तब तुम सुधरो इत, तब तुम सुधर जाओगे, वरना तुम्हारा दिमाग सुधरने वाला नहीं। तब गुस्से होए दौड़े मारने, इतनी सी बात, ओहो हमारे सतगुरु के प्रति ऐसे हल्के शब्द, क्षत्रिय वंश था, दोनों ने कटारे उठाई, एक दूसरे कहना है दाते करते इसकी। अब क्षत्रिय वंश जैसे खड़क निकाली बाहर, सांवलिया समझ गया आज हो गया जयकार, समझे, भाग करके सामने रसोई थी, हे माता जी बचाओ, जोर से बस चिल्लाए, माता जी बाहर आ गई, अंदर कर दिया उसे।
देखा भाई ये तो तलवार उठा ली है, कहने लगे बेटा मुझे मारना चाहते हो मारो। हाथ दोनों के ठंडे हो गए, मां पर कौन हाथ उठाएगा। कहा क्या बात है, हमें मारते हैं, आपने हमें डांटने के लिए कहा था ना, दो थप्पड़ भी मार देते माता जी, हम जरा बुरा ना मानते भी बड़े भाई हैं, लेकिन हमारे सतगुरु के प्रति और गांग जी के प्रति ऐसे शब्द, दुख की बात है कि तुम सामने आ गए, नहीं तो आज इसकी अर्थी पूरी कर देते। शांत हो गए, बात टल गई, भोजन वजन सबने किया। अब रात हुई तो जब बच्चे कसूरवार होते हैं ना तो जल्दी जल्दी भोजन खा के सो जाते हैं ताकि पिताजी खटपट ना करें। अब धन भाई आराम से पति देव को वजीर साहब को भोजन कराते हैं, और भोजन के बाद जब विश्राम करने लगे तो कहने लगे महाराज बड़ी बड़ी कत्ल की फाइलें और मुकदमे कचहरी में करते हो, एक घर में भी कत्ल का केस है, उसको जरा सवेरे निपटा के फिर ही कचहरी जाना। अब केशव ठाकर बड़े हैरान कि मेरे घर में कत्ल का मामला, तो सारा प्रसंग उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है और बच्चे गर्म हैं अभी, उनका मगज शांत नहीं हुआ। कहने कोई बात है सुबह कर लें। तीनों को बुलाया, पहले बड़े से पूछा समलिया ठाकर से, ज्यों का त्यों छूट का कोई मतलब नहीं, जो प्रसंग बीता था वैसे बता दिया। फिर उन दोनों को बुलाया, उन्होंने कह दिया जी ऐसी ऐसी बात थी, हम घर पे आए, हमें इन्होंने कहा चलो इधर आ, हमने इनकी बात सुनी, हमें गुस्से हो लेते, दोष हमारा है ना, हम लेट आते, हमें डांटते फटकारते मारते, हम कुछ नहीं कहते क्योंकि बड़े भाई है। इन्होंने एकदम हमारे सतगुरु महाराज और गांग जी भाई पर ऐसी बात कह दी। कहने लगे अच्छा, तुम्हारे गुरु ने 14 साल तक भागवत किससे सुनी है, कांजे भर से, अब उन्हें क्या पता कि अक्षातीत ने राज्य दर्शन दे करके और इनके बन बैठे, इसलिए तुम आज से चर्चा उनसे नहीं सुनना। किससे चर्चा सुनना, कांजे भट्ट से सुनना, क्योंकि तुम्हारे गुरु से तो ज्यादा ही ज्ञान उनको आता है ना, जिनका ज्ञान सुन करके वो चर्चा सुनाते हैं। दोनों भाई कहते हैं चर्चा जो सुनते हैं वो कहते हैं, हमारे तरह नहीं कि सोते हैं बैठ के, वो चर्चा एकाग्र चित्त होके सुनते हैं कि पिताश्री हमें मंजूर है, आप हमें साथ ले चलो, हम कांजी भट्ट से कुछ प्रश्न पूछेंगे, अगर वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो हम चर्चा उनके पास सुनने जाएंगे, और हमारे प्रश्नों का पिताजी उत्तर ही ना दे पाएंगे। कहने लगे तो ठीक है, फिर जहां तुम्हारी मर्जी आएगी वहां जाया करना, तैयार हो जाओ। पिताजी तैयार थे, लेकर दोनों लड़कों को गोवर्धन ठाकर और मराय ठाकर को साथ ले गए। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ इतने मुर्दे बने रहते हैं, जब इनको कोई कहने आता है अरे भाई देवचंद जी ने भी तो भागवत सुनी थी, उनको ये भी कहो भागवत में था क्या, देवचंद जी के गुरु कांजी भट्ट देवचंद जी के शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, अभी तो शिष्य है ना, अभी तो नहीं प्राणनाथ बने। अब दोनों भाई वहां पिता के साथ जाते हैं, तब पिता ले चले तीन पे, ले चले पिताजी अपने साथ, बैठे जाए के ताही वहां कांजी भट्ट के घर पहुंच गए और कहलवा दिया कि वजीर साहब आए हैं। कई भट्ट लड़के कछु पूछत, अब ये सुन के कांजी भट्ट बाहर आ गए, पूछा महाराज आज कैसे कृपा की। कहने लगे भाई ये दो मेरे लड़के हैं, ये कुछ भागवत के प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, देओ जवाब चित दे आई, जरा इनके प्रश्नों को चित से सुनना तब इनके प्रश्नों का उत्तर देना, जल्दी से गलत ना सुना देना। तब पूछी दो भाई ने, तब कांजी भट्ट ने कहा बेटा बैठो बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो दोनों भाई मिल करके प्रश्न करते हैं, भट्ट कितने गुण के लोक, भट्ट जी महाराज कितने गुण कै लोग, इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और कितने गुण हैं।
तत्व कहो कितने सही। और ये बताओ कितने तत्व से सारा ब्रह्मांड बना है। कितने प्रलय अलोक और प्रलय कितने प्रकार की, ये चारों चीजें श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखी हैं, दूसरे अध्याय में। तीनों तीन गुण से चौथा गुण नहीं। कांजी भट्ट उत्तर दे रहे कि ये सारा ब्रह्मांड पताल से वैकुंठ आदि नयन तक तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। पांच ते छठो ना तत्व, और पांच तत्व हैं जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, छठा तत्व नहीं है। चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे वैकुंठ है, चाहे स्वर्ग है, चाहे कोई लोक है, पाताल है, पांच तत्वों के आधार पर खड़ा है। 14 ते लोक नहीं, 15वां। 14 लोक है, 15वां लोक नहीं। 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, और 8वां लोक ये है, भूलोक भी कहते हैं, मृत लोक भी कहते हैं। 6 लोक ऊपर है, 15वां लोक नहीं है। और प्रलय 4 से 7, ध्यान के साथ, 4 प्रकार की प्रलय है। एक नित्य प्रलय, एक नियमित प्रलय, एक प्राकृत प्रलय और एक अत्यंतिक महाप्रलय। नित्य प्रलय तो वो है जो रोज मर रहे हैं, जन्म रहे, मर रहे हैं, जन्म रहे, ये नित्य प्रलय की बात होती है। नियमित नियमित प्रलय कहाँ है, जहां तक कर्म का बंधन है, 9 लोकों तक कर्म करना, फिर आवागमन के चक्कर में आते जाते रहना। जब प्राकृत प्रलय होती है तो वैकुंठ को छोड़ के 13 लोक का लय हो जाता है, और जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाता है। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, ये प्रश्न कर रहे हैं दोनों भाई कि अच्छा महाराज, जब महाप्रलय होती है तो आप कहते हो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का प्रलय होता है, तो फिर पार ब्रह्म जो है कौन से तत्व का रूप धारण करके और कहां पर विराजते हैं, सो रहत कौन ठोर, और उनका ठिकाना कौन सा है। कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर, ज्ञान के साथ कांजी वट क्या देते हैं कि ये तो कोई कठिन बात नहीं, पाताल में क्षीर सागर है और उस पर एक वट का पेड़ है, उसके ऊपर एक पत्ते पर अंगुष्ठ जितना रूप लेके वो बैठ जाते हैं, रहे अंगुष्ठ मात्र ना और, अंगूठे जितना रूप लेके बैठ जाते हैं और कोई उनका ठिकाना नहीं। चौथो गुण तुम ना कहो, ध्यान दो, दोनों भाई कह रहे हैं हे भट्ट जी महाराज, चौथा गुण आपने नहीं बताया और छठा तत्व नहीं बताया और 15वां लोक नहीं बताया, और इन सब का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तो खीर सागर भी तो पाताल में 14 लोक के अंदर ही तो है, तो फिर जब खीर सागर ही नहीं रहेगा, बट का पेड़ नहीं होगा, तो फिर वो पार ब्रह्म कहां बैठेगा के? तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई, तब भट्ट की भागवत सुनाने वाले की जब शुद्ध बुद्ध गई तो फिर भागवत तारतम कहां से दे देगी, क्योंकि हम सुंदर साहब जवाब नहीं दे पाते, इतना कहते हाँ भाई बात तो ठीक है, देवचंद जी ने 14 साल भागवत सुनी तभी राज्य मिले, हम भी भागवत कराएं, ये बुद्धि मगज खराब है। अभी तो दो ही सुंदर थे, तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई, क्या बोलता है, कहीं ये जवाब ब्रह्मा से न हो, कहते वजीर साहब तुम्हारे लड़कों की जो बुद्धि है ना, मेरे बस का उत्तर देना नहीं, आई कांट, मैं नहीं उत्तर दे सकता, मैं तो क्या ब्रह्मा भी जो सारे संसार की अकल का, ग्रंथों का, ज्ञान का मालिक है, अगर उससे भी यह प्रश्न कर दिया जाए तो वो भी उत्तर नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो महाप्रलय में स्वयं ही ना रहेगा, तो फिर उत्तर कहां से दे सकेगा। तब कही तहां पिता ने, तब पिताजी ने कह दिया बेटा शाबाश जाओ, जो तुम्हारे दिल में आवे सो करो, मैं आज से तुम्हारे काम काज के लिए घर में नौकर रख दूंगा, तुम्हें कोई भी माताश्री काम नहीं करेंगी, तुम अपनी आत्म के वास्ते जहां तुम्हारा दिल आता है सोचने लगे, क्योंकि वहां राधावल भी मार का जोर था जामनगर में, और वो भी उसी को मानने वाले थे कि जब हमारे गुरु जो सबसे आचार्य हैं
वो इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, तो फिर इनके गुरु ना जाने कितना ऊंचा ज्ञान रखते होंगे। तुम्हारे चित आवे करो सोए, जो तुम्हारे चित में आवे, जहाँ तुम्हारा मन माने वहीं जाके चट्टा सुनो। श्री महामत कहे मोमिनो, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साहब जी, जिन पर हुआ महाराज, जिन पर हुई मेहर, जिन पर राज्य महाराज की मेहर हो जाती है, सो तो फिर वो माया घर नहीं भागते। सुनो आगे क्या करते हैं। सो खासल खास उम्मत है, वही खास परम धाम की आत्मा है। तन मारत दार हक्का ज, तन सुनते क्या ऐसे सुन रहे हैं कई महानुभाव, क्या कर, क्यों भैया चट्टा सुनने का ढंग है, थक गए क्या सुनते सुनते, 6 घंटे हो गए क्या। जिन पर राज्य महाराज की मेहर होती है, तन मार डारत हक काज, समझ में आए तो समय लेना, नहीं तो चट्टा सुन को घर जाओ, यह धंधा बना रखा 3 दिन से, क्या रोज रोज प्रसंग होना। जिन पर धनी की मेहर होती है, आत्म को चोट लगती है, वो फिर अपने तन को राज्य की सेवा में रगड़ रगड़ के लगाता है। एक दिन श्री महाराज को, एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो यह विचार, आप ध्यान देना क्या बात बन गई, माया है ना कोई तो खटपट करती रहती है। अब महाराज ठाकुर चर्चा सुन के आते हैं तो सोचते हैं कि भाई सतगुरु महाराज क्या पहचाना, देवचंद जी को सतगुरु महाराज, सतगुरु में और धनी में बड़ा अंतर होता है, सारा कुछ बता दें। देवचंद जी को सतगुरु समझा, सतगुरु तन होता है, जो अंदर बैठा है वो सतगुरु नहीं, वो धाम का धनी। अब देवचंद जी ये हमेशा चर्चा में राजी महाराज बताते हैं कि भाई हम सब की आत्मा एक है और हम एक ही परम धाम से आए। अब महाराज ठाकुर जी के दिल में यह बात चुभ गई कि भाई जब इनकी भी आत्मा, ध्यान दो किनकी, देवचंद जी की, और मेरी आत्मा दोनों परम धाम से आई है और धनी हमारा एक है, तो इनका जो धनी है वो इनको परम धाम दिखाता है, तो मेरा धनी मुझको परम धाम क्यों नहीं दिखाता। दिल उपजो यह विचार, यह विचार दिल में पैदा हुआ, हम आए हैं अरस से, हम सब मिलके परम धाम से आए हैं, भेजे परवरदिगार, राज्य ने भेजा है, तो हमारी हुज्जत राजसो, तो क्या खेल में आके राज्य से हमारा संबंध नहीं रह गया, क्या हमारा संबंध टूट गया है, खाली देवचंद जी का ही संबंध रह गया है, कछु ना चलता, कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि मुझे परम धाम नहीं दिखता है। और ये जरा जरा चीज वर्णन करके बताते हैं, हम क्यों ना देखें धाम को, हम परम धाम को क्यों नहीं देखते, अपनी जो बीतक इतर, जो हमारी बीतक है, कहां हम मूल मिलावे में बैठे हैं, कहां राज्य महाराज हैं, वो हमें क्यों नहीं दिखता। श्री देवचंद्र जी देखता, श्री देवचंद जी देखते हैं श्री धाम के निशान और परम धाम के निशान बताते, सो हमारे आगे कहत है, और फिर हमारे आगे बताते हैं, कर देत पहचान, और पहचान भी करवा रहे हैं, अक्षर अक्षर अक्षरातीत की, खंड ब्रिज की, रास की, हमारा धनी धाम का, तो क्या हमारा धनी धाम के साथ नाता यहाँ के खत्म हो गया का, उनको परम धाम नजर आता है। जमुना जी का वर्णन करते हैं, केल का पुल, भटका पुल, चांदनी चौक, सब कुछ बताते हैं, हमें क्यों नहीं नजर आता, क्या तीन से ये न हो, क्या उनके राज्य परम धाम दिखा सकते हैं और मेरे राज्य महाराज नहीं दिखा सकते, क्या क्या दो हो गए क्या, हमें अरस अजीम की, हमें परम धाम की और दिखावे सोया, किस तरह से मैं कैसे परम धाम को देखूं, सो हमारा खेल में, तो क्या हमारा इस माया में आने के बाद इतना भी ना चलता, इतना भी नहीं चलता कि हम भी परम धाम को देख सकें, जो क्यों कहिए हम धाम के, तो इसका मतलब ये है कि मेरी आत्मा परम धाम की है नहीं, अपनी ना देखे भी तक इतना, हम अपना मूल स्वरूप ही ना देख सके, तो फिर फायदा क्या है परम धाम का तारतम लेके संबंध जोड़ के, पर हम में है अवगुण, ध्यान देना, कहते नहीं
राजी मेर तो बराबर करते हैं, मेरे में अवगुण हैं, इस कारण से मुझे परम धाम नजर नहीं आ रहा। इस वास्ते अंतर आया, इसलिए अंतर है। जब अवगुण हम काढ़े, अब मैं अवगुण यदि निकाल दूंगा तो मेरी आत्म निर्मल हो जाएगी और फिर मुझे भी परम धाम नजर आ जाएगा। गए घर। तो भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग ने कहा था जिसके घर ज्यादा सोना होगा मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। ये भागवत से कभी दृष्टांत तो सतगुरुदेव चंद जी ने दे दिया होगा। अब वो वजीर का लड़का और वजीर के लड़के की पत्नी, और उस समय सोने चांदी का भाव ही क्या होता था, घर में कितने बर्तन सोने चांदी के और कितना दागिना सब कुछ, क्या यही रोग है, ये मुझे परम धाम नहीं देखने देता। बिछा के चद्दर सब सोने के जितने, हम तो घर बनने की चिंता कर रहे हैं ना, वो घर का सब माल मता उठा के चद्दर में बांधते, सोने के बर्तन, सोने के थाल, चांदी के बर्तन सब बांध जेवर, केवल एक टीका और सुहाग का जो चिन्ह था वो फूलबाई, शादी हो चुकी है, पहली पत्नी का नाम क्या था फूलबाई, उसके पास छोड़ दिया, बाकी सब गठरी बांध के जाके सतगुरु महाराज जी के चरणों में रख दी। और सतगुरु पूछने लगे भाई ये क्या, कहने लगे महाराज मेरे अवगुण निकाल दो। तब देते उत्तर, तब देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान के साथ समझने वाली बातें, तुम्हें ना कोई अवगुण के मेरा ठाकुर, गुण और अवगुण देह में होते हैं, आत्मा जो है वो गुण अवगुणों से रहित होती है, और तेरी तो निर्मल आत्म इंद्रावती की है, तेरे अंदर आत्म के कोई गुण अवगुण नहीं है, तो निर्मल आत्मा धाम की, तो परम धाम की निर्मल आत्म है श्री इंद्रावती उत्पन्न, और इंद्रावती की आत्म है। सुनत श्रीमुख चर्चा, और जब चर्चा सुनते दिल में चोट लगती है, आंखों से आंसू भी बहते हैं। श्री देवचंद्र जी की जब देवचंद जी की चर्चा, अखंड ब्रज की, रास की, धनी के प्रेम की, विलास की, आनंद की चर्चा सुनते हैं, चर्चा की चर्चा, तो चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब, सुंदर साथ के बीच में बैठकर मेराय ठाकुर चर्चा भी करते हैं, वचन वर्णन करत है, और वचन वर्णन एक एक शब्द को सुनाते हैं, लेते है अपने सिर, और फिर अपने सिर लेते, ये नहीं कि चर्चा तो सुना दी अपने में रहनी है ही नहीं, वो अपने अंदर लाते कि ये राज्य राय ने हमारे वास्ते कही है और मैं सबसे पहले इसको करूंगा। इस वास्ते अपने मन पर, इस वास्ते अब मन के ऊपर करते बड़ा जुलम, ध्यान देना, पहले तो सोना चांदी दे दिया उससे परम धाम नहीं दिखा, अब फिर सोचने क्या लगे कि मैं कस नहीं करूं तो परम धाम मिल जाएगा। चार रोटी खाते थे, युवा अवस्था थी, दो कर दी, दो से एक कर दी, एक से आधा कर दिया, और आधा से एक कौलिया, एक ग्रास जितना प्रसाद होता है इतना ही लेते हैं। अब क्या था, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरने लगा, कमजोर होने लगा, जब पूरा भोजन नहीं दिया जाएगा तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। इतना करने पर भी परम धाम नजर, कर लो जो कुछ करना है, इन्हीं चीजों में परम धाम रखा है क्या, तो 60-60 हजार साल तक ऋषियों ने तपस्या की घास खाकर, फिर भी कोई करता है करे, अपना जीवन नष्ट करता है, और उसके बाद कहते अच्छा शायद मेरे मन में कोई पाप हो, मैं बाजार चलूं, किसी सुंदरता के पीछे तो मेरा मन नहीं भटकता, या कोई गरम गरम जलेबी कचौड़ी और देख के मेरा मन तो नहीं भटकता, मन की परीक्षा लेने के लिए बाजार में जाते हैं, यदि जरा सा मन भटकता है वहीं खड़े होके कहते हैं ओ पापी मन, ओ चंडाल मन, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद क्या तेरी तृष्णा पूरी नहीं। इस तरह से अपने मन के ऊपर जुल्म करते हैं, कसौटी करते हैं, इस तरह से भी जब कर दिया तब भाल भाई आए के, अब क्या हो गया, कई दिनों से जब नहीं खाया तो शरीर की हालत क्या हो गई, आज शरीर छूटेगा
के दूसरे दिन छुट्टे। इस बीच में गोवर्धन ठाकर पूरे 1700 साल का जब वर्ष चल रहा था उनका देहांत हो गया, शरीर छूट गया। अब बाल भाई को बड़ी चिंता हुई कि अभी एक भाई तो पहले धाम चल गया और ये भी चलने वाला है। वो जाके सतगुरुदेव चंद जी से कहती है, धाम धनी आपकी आंखों के सामने सुंदर साथ चलता जाएगा, क्या आपके दिल को दुख नहीं होता? एक भाई तो पहले गोवर्धन ठाकुर चला गया और महाराज ठाकुर भी चलने को है, आप धाम धनी है तो क्या इनके मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्या? तब श्री देवचंद्र जी, तब देवचंद जी ने क्या कहा, सवाल किया महाराज, और कहने लगे भाई मेरे पास आता है यही कहता है मेरे अवगुण निकालो, उसको मैं कितनी बार जवाब दे चुका हूं, अब तू कह रही है तो जा बुला के ले आ, मैं आज तेरे सामने ही उससे पूछ लेता हूं। तब बाल भाई जाती है, महाराज ठाकुर को बुला के ले आती है। अब फिर सतगुरु देवचंद जी महाराज महाराज ठाकुर से पूछते हैं, क्या है तेरे दिल में? हे महाराज ठाकुर, तेरे दिल में है क्या बात, तू बताता क्यों नहीं? सो मुझे कहो आज, आज तू कह दे मैं तेरी सब इच्छा पूरी कर दूंगा। मेरे अवगुण मुझको, बस फिर वही रट लगी कि हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण मुझे बता दो, दिखाई दे तुम, आप बता दीजिए। तब गया मुझको, आप ध्यान दें, कहने लगे वो तो बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता मुझे समझता क्या है, आखिर मेरे स्वरूप को कुछ तो तू समझता होगा, शरीरक तो मेरा तेरा कोई नाता नहीं, मैं कैस जातीगा और तू ठाकुर जातीगा, तेरा मेरा रिश्ता ही कोई नहीं, आत्म का जो संबंध है उससे बता आखिर तू मुझे क्या समझता है, मेरे पर क्या भाव रखता है, क्या पहचानता है आत्म, मेरी आत्म के द्वारा मुझे क्या पहचानता है तू, ब्रज की बातें सुनते हैं, और अगर तेरी आत्म का संबंध नहीं है तो फिर जब ब्रज की चर्चा होती है रास की चर्चा होती है फिर तू रोता क्यों? भाई किसी के घर की बात हो तो कोई रो तो नहीं देता है, अपनी बात लगती है तो दुख भी आता है, तो तेरी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? पानी जलत है नैना, क्यों आंखों से पानी झरता है? तब श्री देवचंद्र जी कहा, तब देवचंद जी ने क्या कहा, क्यों रहे तन सुनते मैना, और फिर वचन सुन के राज्य में रह के तू चाहेगा कि मैं मर के मर जाऊंगा? मरने नहीं देंगे राज्य महाराज तुझे, अगर तेरे बस की बात है तो फिर जैसे वाणी सुनता रोता है तो फिर मरा क्यों नहीं आज दिन तक? मोमनों की मौत भी मोमनों के हाथ में नहीं है, राजी चाहे तो मौत आती है वरना नहीं आएगी। तब बाल भाई ने कहा, तब बाल भाई ने क्या कहा, क्या पहचान धनी धाम? बस अब बाल भाई कहती तू बोलता क्यों नहीं, तू क्या पहचानता है इनको, सच्ची बात क्यों नहीं बताता? जो ये बात लौकिक है, और ये तो लौकिक बात है संसारिक बात नहीं है कि हर एक के बस की बात है वो पहचान ले, इनसे होवे पूर्ण मनोरथ काम, और इनसे तेरे मन की सब कामना, चाहे दुनिया की बात मांग और चाहे तू परम धाम की बात मांग, धाम धनी साक्षात है ये तेरी पूरी कर देंगे। जो पहचान होवे स्वरूप की, अगर पहचान होवे स्वरूप की तो काम बनता है, रूप की पहचान करके सतगुरु कहता रहे तो फिर काम बनने वाला नहीं है। तो पलक ना रहे नैना, और फिर एक पलक के लिए भी तू इनके चरणों से जुदा ना होता अगर ये तुम्हें तू पहचान जाता कि ये मेरे धाम के धनी है। प्रदक्षिणा फिरता रहे, और प्रदक्षिणा ही चरणों में पड़ा रह जाता, और मुख नानिक से बहन, और कोई मांगने की जरूरत ही न रहती, ये अवगुण नहीं तेरे। अब देवचंद जी कहते के मेरा ठाकुर तेरे अवगुण आत्म के अंदर नहीं, और बाकी रहे शरीर के अवगुण तो तेरे से ज्यादा अवगुण मेरे अंदर ढूंढ ले, क्योंकि अपने अवगुण नजर नहीं आते, अपने गुण ही गुण नजर आते हैं, अवगुण देखने तो किसी और के देखा करो, वो फटाफट नजर आ जाएगा, ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा है। तो देवचंद जी कहते हैं अवगुण ढूंढने तो मेरे ढूंढ लो, क्या कहत है सुख, और क्या फिर उसका वर्णन करें? अगिनत देखे अवगुण, अवगुण देखो अनगिनत मेरे अंदर हैं, तू तो गिन के निकालता फिरता है,
तू देख ले जितने चाहता है, कहो न जाया मुख, इस मुख से कहे भी नहीं जा सकते। श्री देवचंद्र जी पूछिया, तब देवचंद जी कहते हैं तू सच्ची बात बताता क्यों नहीं, ढोंग क्यों रचता फिरता है, इतने दिनों से अपने शरीर का ये हालत कर दिया, तू सच्ची बात बता, तू चाहता क्या है, क्या है तेरे मन में, तेरे मन की बात जो है जिसलिए तूने शरीर को सुखा रखा ये दुर्दशा बना ली है, बता क्या चाहते हो। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब बोले कि आप परम धाम देखते हो, मुझे परम धाम क्यों नहीं नजर आता। जब हमारा धनी एक है तो फिर आप परम धाम देखते हो, मुझे परम धाम क्यों नजर नहीं आता। या वस्ता हुकम की, अब ध्यान से सुनो, देवचंद जी उत्तर कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, मेरी शक्ति से बाहर है, ये वस्तु है हुक्म की, ये राज्य के हुक्म की बात है,